हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ जयेश नागदा और मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज अपन द ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है। हालांकि मैं इसका एक टॉपिक ही ले रहा हूँ, सिर्फ हार्ट लेके इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ये अपना ह्यूमन हार्ट है ये बहुत ज़्यादा जगह पर इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि देखें तो 10th के अंदर भी दे रखा है, 12th के अंदर भी दे रखा है ये चैप्टर, और GE वाले पोर्शन के अंदर भी दे रखा है। तो जब भी आप फ्यूचर में यदि आप 12th के अंदर हो तो नीट की जब तैयारी करोगे तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जनरली मैंने जहाँ एग्जाम दिया और जितना मैंने नोटिस करा है तो उतना एक ही चीज़ है कि नीट जनरली उस जगह से क्वेश्चन उठाता है जहाँ पर बच्चे को लगता ही नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ये टॉपिक ऐसा ही है जहाँ पर अपने वो क्वेश्चन की भरमार मिलेगी, है ना। वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हार्ट के बारे में जान लेते हैं कि हार्ट क्या है, वेट क्या है इसका, मेन के अंदर कितना होता है, वुमेन के अंदर कितना होता है, और जो छोटा बच्चा है या फिर एडल्ट है उसमें कितनी बार धड़क रहा है, इन सारी चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ है वेट। वेट मेन के अंदर देखें अपन तो वो होता है 280 से 340 ग्राम। ठीक है, इसके बीच में अपने को मिलेगा। दूसरी चीज वुमेन के अंदर देखें तो 230 से 280, एकदम सिंपल है कि मेन की तुलना में वुमेन के अंदर वेट कम होता है। ठीक है, हालांकि सिर्फ हार्ट की बात नहीं है, आप दूसरी कोई भी चीज़ देख लो जिसमें वुमेन की कंपेयर में मेन में ज़्यादा होगा और वुमेन में क्या मिलेगा बताओ, कम मिलेगा आपको। सिर्फ एक ही रीज़न है इन सारी चीज़ों का, वुमेन का जो हार्मोनल बैलेंस है ना, उस चीज़ में अपन कह सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कम होता है वेट, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। ठीक है, हार्ट बीट की बात करते हैं, हार्ट बीट मतलब कितनी बार धड़क रहा है। ठीक है, तो लाइफ टाइम यदि पूरी लाइफ टाइम में देखें तो हार्ट कितनी बार धड़कता है तो अपन कह सकते हैं 3 बिलियन। अब अलग कंपेरिजन में या फिर लगभग समझ लेते हो आप अप्रोक्सीमेटली कितनी टाइम, 3 बिलियन टाइम, तो आप समझ जाओगे भाई कितना है। और वन डे की बात करो तो एक दिन में लगभग 1 लाख बार, यानी 1 लाख टाइम, है ना। और अब देखना एडल्ट के अंदर जो अपनी एज है ना, एडल्ट 18 से कंपेयर कर सकते हैं, 18 से लगभग लास्ट तक आते कितनी बताओ, 70 to 75 times। दूसरी चीज यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना की बात हो कि 70 to 190, ये छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, न्यू बॉर्न, यानी छोटा बच्चा जो है हालांकि उसका वेट बढ़ेगा वो छोटा ही दिख रहा है लेकिन उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट, यानी समझ लो इसका जैसे दुगना समझ लो, 190 तो दुगना ही हो गया लगभग, है ना। तो 70 to 190 times per minute धड़केगा, समझ लो बहुत ज़्यादा। उसके हार्ट बीट आप चेक करोगे आज लगा के तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। दूसरी चीज़ देखो, अच्छा मैंने यहाँ पे बीच बीच में NN लिखा है, NN का मतलब है NCERT, है ना। तो NCERT की एज लाइन और उसका हर एक वर्ड समझ लो आप लोगों को, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। ओके, फल चीज देखो, और हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 times इन ए मिनट। या तो फिर भाई अपना हार्ट 70 से 75 times 70 to 75 times एक मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट चीज देखो, लेकिन जब भी आपको कोई रेशियो निकालना हो जैसे कार्डिक आउटपुट निकालना हो कोई भी चीज, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल ध्यान रखना एवरेज लेके, और एवरेज कितना होता है 72 times। ओके, नेक्स्ट देखो, हार्ट के बारे में ये चीज़ आती है कि उसकी ओरिजिन कैसे होती है। अब ओरिजिन किसी भी चीज़ में, यानी ह्यूमन के अंदर कोई सा भी भाग ले लो, कोई सा भी ऑर्गन ले लो, उसकी ओरिजिन देखनी है तो ओरिजिन का सीधा अपन चीज़ें देखें तो 3 layer होती है अपने शरीर में, इन तीनों से कनेक्टेड। कोई भी ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है ना तो अपने को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एवं एंडोडर्मल, बस इन 3 layer की बात कर रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, जब भी किसी ने बात कही कि ओरिजिन कहाँ से हो रही है तुम्हारे शरीर की, इस ऑर्गन की, तो सिंपल बात कहेंगे भाई एक्टो एंडो एंडो, एक्टो मीजो और एंडो, इन तीनों में से कोई एक चीज है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। शरीर में जो कठोर चीजें जैसे कि बोन को छोड़े ना, हड्डियों को छोड़े समझ लो, जो बाहर बाहर से जो भी चीजें दिख रही है क्या दिख रही, इसकी फर्स्ट चीज, दूसरी आपकी टीथ है, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किससे बनी होगी बताओ, एक्टोडर्मल से। और जो सबसे अंदर वाली चीजें हैं जैसे एलिमेंट्री के नाल, आहार नाल आपकी, तो वो जो आहार नाल है
उसकी ओरिजिन अपने को कोई पूछे ये किससे डिले हो रहा है तो वो कौन सी लेयर से डिले हो रहा है एंड में। अच्छा लेयर क्या है, तो लेयर के बारे में ये कंसेप्ट है कि जब भी कोई छोटे बच्चा ग्रोथ कर रहा है, यानी ग्रूम एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है, तो उस ग्रोथ के टाइम में उसके शरीर में सबसे पहले कितनी लेयर बनेगी, तीन लेयर बनती है, इन तीनों लेयर से, इन्हीं तीनों लेयर से शरीर का हर एक ऑर्गन डिले होगा या फिर उसकी उत्पत्ति होगी, ओरिजिन होगी। ठीक है, तो देखो सबसे बाहर वाला एक्टो और सबसे अंदर ही अंदर, जैसे एलिमेंट्री के नाम एंडोडर्मल हो गई, तो इसके बीच में जैसे कि बीच वाला जो अंदर वाला जो पोर्शन है, ये वाला है ना, तो ये वाला पोर्शन किससे बना हुआ बताओ, मेसोडर्मल से। या फिर चीज देखो अपना हार्ट, हार्ट की पोजिशन कोई पूछे तो अपन कह सकते हैं दोनों लंग्स के बीचों बीच और लेफ्ट साइड में, देखो बीचों बीच यहाँ पे एक में क्लेच फिच ले लो, यानी कि अपनी बंद मुट्ठी ले लो, उस बंद मुट्ठी को यहाँ पे मैं सेट कर लूँ, यानी कि लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट, हाँ, तो लेफ्ट साइड में बीचों बीच और हल्का सा टिल्टेड इस तरफ झुका हुआ होगा ये, कौन हार्ट की क्या पोजिशन कैसे होती है भाई, दोनों लंग्स के बीचों बीच और शेप कैसा होता है। मैंने ये वर्ड भी यूज करा, हालांकि मैंने क्या एशिया के लिए वर्ड यूज करा है, कौन सा वर्ड यूज करा है, क्लेंच फिस्ट। क्लेंच फिस्ट का मतलब ये है कि बंद मुट्ठी के जैसा एकदम बंद मुट्ठी कर ली और इसके जैसा स्ट्रक्चर हार्ट के बीचों बीच, यानी कि अपने जो लंग्स है इसके बीचों बीच, यानी स्टर्नम, यहाँ पे बोन्स जो होती है अंदर, यहाँ पे नीचे की ओर जो बीचों बीच आप ट्राई करा होगा, तो बीचों बीच जो बोन है उस बोन का नाम है स्टर्नम, तो स्टर्नम के जस्ट पीछे की ओर साइड में झुका हुआ इस तरह हल्का सा, और सेम टू सेम जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है हल्का सा झुका हुआ है, तो वो ऐसे ही झुका हुआ होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन को समझते हैं ना, तो मेसोडर्मल वर्ड शायद आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ये लाइन समझ में आ गई, मेसोडर्मल अपनी कौन सी लेयर से बनेगा, मेसोडर्मल। ठीक है, नेक्स्ट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ये वर्ड आ रहा है थोरेसिक कैविटी, सर ये वर्ड क्या है, एनसीईआरटी में आता प्रॉब्लम करेगा, समझना, आपको पता होगा यहाँ बीचों बीच एक डायफ्राम होता है, तनुपट गुंबद के शेप का, गुंबद शेप का यहाँ बीचों बीच एक तनुपट होता है, डायफ्राम होता है। अब वहां पे क्या होगा, जो आपका तनुपट है, जो आपका डायफ्राम है, उससे नीचे वाला जो भी पोर्शन है उसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो ये आपका चेस्ट है, ब्रेस्ट है, जो भी है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा बताओ, थोरेसिक कैविटी। दूसरा वर्ड समझ में आ गया, सब शब्द सारे सारे आपको समझ में, इन बिटवीन द टू लंग्स, अपने मैंने बताया था अभी कितने के बीच में, टू लंग्स के बीच में, नेक्स्ट देखो स्लाइटली टिल्टेड, यानी हल्का सा झुका हुआ, जैसे मैंने बताया था ये मेरे क्लिच पीच है, यानी फिश है, ये हल्का सा झुका हुआ है, सेम ये की ये चीज होगी, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, हल्का सा कौन सा साइड है, लेफ्ट, इट हैज द, है ना, इट हैज द साइज ऑफ ए क्लिच फिश, बंद मुट्ठी की जितनी साइज ही होती है इसकी। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, ओके, हार्ट स्ट्रक्चर की हर एक चीज देखेंगे तो कैसे है, क्या है, कहाँ से क्या होता है। तो जनरली एक चीज का ध्यान रखना, हार्ट में चार चैंबर होते हैं, यानी फोर चैंबर होते हैं, चार कोस्ट होते हैं, कैसे चार कोस्ट है ना, सबसे नीचे वाले जो कोस्ट होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल को मैं बना रहा हूँ ना, तो ये जो नीचे नीचे वाला जो पोस्ट है आपका है ना, इसको कहते हैं वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल की ये बॉल हो गई, ये कौन सा है, अच्छा बॉडी के अंदर ध्यान रखना, ये वाला सारा पोर्शन लेफ्ट कहलाएगा, ये वाला सारा पोर्शन क्या लिखा कहलाएगा, राइट है ना, तो ये वाला हार्ट ये कौन सा हो गया बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला हार्ट का ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन मिलाएगा, राइट वेंट्रिकल, आर भी लिखा हुआ ना, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें मैंने एक हल्की सी चीज का ध्यान रखा, जो बहुत ही रेयरली बच्चे गलती करते हैं ना, बहुत ज्यादा गलती करने की सोचते हैं ना, ये वाली जो बॉल है ये मैंने मोटी बनाई, ये वाली चीज पतली बनाई है, रीजन है इसका भी, ये वाली बॉल मोटी होती है क्योंकि यहाँ से जो ब्लड इसके अंदर आएगा हार्ट में, है ना, हार्ट में यहाँ से पंप करेगा तो पूरी बॉडी में पंप जो करा जाता है ब्लड, पूरी बॉडी में अपने ब्लड पहुँचाना है तो उसको कहीं कहीं से पंप करना है। अच्छा जनरली आपको ये पता भी होना चाहिए कि हार्ट का मेन काम क्या है, तो हार्ट का मेन काम एक ही है,
पूरे शरीर में जो ब्लड लंग से आ रहा है उसको पूरे शरीर में क्या करना, पहुंचाना। और पहुंचाने का मतलब भी ये उसको पंप करना पूरी तरीके से, है ना। और पहुंचाने का काम कौन करेगा, वेसल्स है, वेन है ना। अब नेक्स्ट चीज देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। अब मैं कह रहा था कि यहां से ऊपर की ओर पूरे शरीर में एओर्टा जाती है, ये पूरी पूरे शरीर में ये एओर्टा जा रही है ऊपर से होके। आप जब वो डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे इस टाइप की चीजें दे रखी है ना। ये पूरे शरीर में, पूरे शरीर का मतलब क्या हुआ, आधी चीजें जैसे ये तीन मैंने बता रखी है कि ये ऊपर जा रही है, ये बाकी का पोर्शन को नीचे सप्लाई करेगा। ऐसे तो नहीं ब्लड को सिर्फ नीचे सप्लाई करना पड़ेगा, ब्लड को ऊपर भी सप्लाई करना पड़ेगा। और ऊपर भी सप्लाई करना इसका मतलब ऊपर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ब्लड पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट चीज देखो, इधर से देखो, इसको कहते हैं एओर्टा, है ना। मैं इसका नाम लिख रहा हूं एओर्टा, एओर्टा है ना। एओर्टा क्या करती है, कैरीज ब्लड टू बॉडी, है ना। यानी कि यहां से हार्ट से लेकर ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन सी ट्यूब करती है, मैंने बताओ एओर्टा। सेम काम इधर, इधर का क्या है भाई, इधर जो ये आपको देखिए यहाँ पर वॉल होता है वो आपको बाद में बताया जाएगा, याद रखना। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से वो पल्मोनरी वेन निकलेगी, यानी सॉरी पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, ये वाला निकलेगी से यहाँ पर ऊपर, है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से जा रही है, ये कहाँ जाती है, ये अपने को पूछा जाता है। दो क्यों डिवाइड किया, छह चीज़ तो देखो ये दो में डिवाइड क्यों करा, रीजन है क्योंकि एक वाला कहाँ जाएगा मतलब राइट में, एक वाला कहाँ जाएगा लेफ्ट में। अब आपको एक पुराना कोई चीज़ पता नहीं होगा तो पूरी तरीके से बता दो आपको, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अपने शरीर में जो ग्लूकोज होता है भाई, है ना, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज में से ग्लूकोज लिख रहा हूँ ना, ग्लूकोज इसके साथ अपन ऑक्सीजन की रिएक्शन करा है तो अपने को पता है CO2H2+ATP एनर्जी अपने को मिलेगी। यानी कि अपन जो फूड गेन करते हैं, जो भोजन खाते हैं ना, उसके अंदर क्या मिलेगा, उसका अंतिम उत्पाद है ना, लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज मोनोमर है, उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। ऑक्सीजन ये दोनों इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा यानी टूटेगा, टूटने के बाद CO2H2 और ATP बनाएगा, है ना, CO2H2 और ATP। तो ये जो ATP है इसके लिए, ये ATP कहाँ काम आएगी, शरीर के हर एक हिस्से को, जैसे ऊर्जा चाहिए, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, तो इसके लिए भी अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में अपने को मिलती है बताओ, ATP फॉर्म में, ठीक है। तो ये एनर्जी के लिए अपने भोजन करते हैं और सांस लेते हैं, हाँ अपन भोजन भी करते हैं सांस भी करते, सांस भी लेते हैं, सांस लेते तो फेफड़ों तक रहती है, भोजन करते हैं तो पेट तक रहता है। तो अब सब हर एक जगह पर पहुँचाना है तो ध्यान रखना, हर एक जगह तक पहुँचाना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर ब्लड। कौन सी चीज इम्पोर्टेंट रहेगी, ब्लड। ये ब्लड क्या काम करेगा कि भाई इधर से ग्लूकोज को ले लिया और यहाँ पे लंग्स में पहुंचाना, कहाँ पहुंचेगा, एक बार ग्लूकोज को ले लिया हर एक सेल तक पहुंचा दिया, दूसरी चीज लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स से कौन सी चीज लेगा बताओ, ऑक्सीजन। अपन बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलेगा। अब नेक्स्ट CO2 बाहर निकालेंगे, कौन सी चीज है ना, ऑक्सीजन ले ली। अब ये ब्लड क्या करेगा, देखना ये ब्लड वापिस आता है ऑक्सीजन लेने के बाद, इस तरफ आएगा, इसको कहते हैं वेव, है ना। ये पूरी तरीके से क्या होगा, ये जो पूरा पोर्शन है ऊपर से जिसके थ्रू आएगा वो है आपकी वेन। तो यहाँ पे आगे खुलता है, हर एक लंग से दो दो वेन आएगी और ये कहाँ पे खुलेगी, एट्रियम में। देखो नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल कहलाएगा, ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बताओ, एट्रियम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब जो आर्टरी में है उसमें देखना, यहाँ पे जो वॉल है यहाँ पे क्या होता है ना, ऊपर से जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे जो ब्लड मान के इकट्ठा हो गया, ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, अच्छा एट्रियम जो है ये हो गया पहले अपना लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम और ये आर है यानी राइट एट्रियम। तो हार्ट के चार चैम्बर हो गए, 1, 2, 3 और 6। इस वाले चैम्बर के अंदर कहाँ से ब्लड आएगा, अब ऊपर की ओर है आपका लंग्स, क्या बताओ लंग्स, है ना। ये हो गया राइट वाला, इधर होगा कौन सा लंग्स होगा, लंग होगा,
मतलब लेफ्ट वाला, इन दोनों लंग्स हो गए ना। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, लंग्स के अंदर अपन CO2 छोड़ते हैं तो जो CO2 अपने बनी है अपने भोजन को तोड़ने के बाद जो CO2 बनी है उसको तो अपन बाहर निकाल लेंगे, लेकिन नई O2 भी तो चाहिए। तो नई O2 किस में मिक्स होगी, थोड़ा सा डीपली समझ लो, लंग्स के वहां पे होती है इस टाइप में कुपिका है ना, एल्वियोलर। एल्वियोलर के चारों ओर ब्लड वेसल्स ऐसे काम करती है, कैपिलरीज जो होती है इस टाइप में फ्लो, उसके चारों ओर होती है, बहुत सारी कुपिका होगी यानी एल्वियोलर होगी, और इन एल्वियोलर के चारों ओर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। अब ब्लड वेसल्स में क्या दौड़ रहा होता है, ब्लड ब्लड, लेकिन ब्लड कौन सा वाला, ये ब्लड जो अभी ब्लड वेसल्स में जा रहा है ये ब्लड कहाँ से आया, शरीर के अदर पार्ट से आया, और अदर पार्ट में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 H2O और ATP बना रहा है, यानी इस ब्लड के अंदर कौन सी चीज मिक्स है, CO2। अब ये CO2 क्या काम करेगी, ये ब्लड लेके आया CO2, इसके अंदर तो ब्लड फ्लो हो गया, ये CO2 लेके आया, हमने बाहर से श्वास ली, श्वास लेते समय यानी ब्रीथिंग के समय अपन अंदर क्या लेके आया, CO2। अब ये O2 यहां पे एक्सचेंज हो जाती है, CO2 ऊपर चली गई, O2 कहां आ गई, नीचे। अब जो यहां से लंग से गुजरने वाला ब्लड, कहां से, लंग से गुजरने वाला ब्लड, अब लंग से जो ब्लड गुजर रहा है उसके अंदर ये चीज ज्यादा मिलेगी, अपने कौन सी चीज मिलेगी बताओ, ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पंप करना है, ऑक्सीजन के साथ में कौन सी चीज, जो पेट से ली गई है ग्लूकोज, ठीक है, पेट से या फिर लीवर में बनता है वो अलग क्वेश्चन है, आप जनरल ही समझने के लिए समझो पेट से ग्लूकोज ले रहा है। दूसरी चीज ये समझ लो, ये जो O2 CO2 बन रही है लंग से कौन सी चीज ले रही है, ले रहा है O2। अब एक बार लंग्स यहाँ पे था ऊपर की ओर, लंग्स है समझ लो यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, ब्लड नीचे से आ रहा है लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जाने के बाद अब जैसे ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो ऐसे ब्लड को कहते हैं प्योर ब्लड। अब जनरली बच्चे को ऐसा लगता है कि इम्प्योर और प्योर में क्या डिफरेंस है ना, तो बच्चा इम्प्योर के बारे में बता देगा कि इसके अंदर कोई अपशिष्ट चीज होगी है ना, वेस्टिजियन प्रोडक्ट होगा, लेकिन प्योर और इम्प्योर में फर्क है। प्योर उस ब्लड को कहेंगे जिसके अंदर क्या मिला हुआ बोला, ऑक्सीजन, जिस भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है उसे क्या कहेंगे, प्योर ब्लड। और जिसके अंदर CO2 है, CO2 कौन सा होगा, जो नीचे से जो ब्लड आ रहा है ऊपर से जो ब्लड आ रहा है पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से क्या होगा बताओ, उसमें CO2 मिक्स है, उसे कहेंगे इम्प्योर। जो प्योर ब्लड है, जो O2 है, वो प्योर ब्लड किसमें आके घुलता बताओ, इसमें, ये वेन जो है, ये वेन लाके कहाँ घुलती है, लेफ्ट एट्रियम, इसमें प्योर ब्लड आ चुका है। अब प्योर ब्लड, ये जो ब्लड है वो यहाँ जाने का मतलब ये कि एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, और एट्रियम से वेंट्रिकल में जाते समय यहाँ पे जाने के लिए कोई चीज पर भी चीज भाई इसमें आ जाएगा और उससे वापस इसमें नहीं जा रहा, तो यहाँ पे वॉल होता है और उस वॉल का नाम बाइकस्पिड होता है, इस टाइप में ना बाइकस्पिड वॉल, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। अब बाइकस्पिड वॉल क्या काम करेगा भाई, अब देखना ये चीज बिठा दो, कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का, ये चीज में बिठा दो ना, बस जल्दी समझने के लिए सारी चीज लिख रहा हूँ आप लोगों को, पता नहीं अब ये समझ में आ गया क्या, O2 जा रही है CO2 वाला पूरा प्रोसेस एक्सचेंज होगा, और इसी एक्सचेंज को पहले इसमें डाला जाएगा एंड O2 को इसमें डाली जाएगी, O2 का मतलब है O2 वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड इसमें डाला जाएगा, यहाँ से पूरे शरीर में भेजा जाएगा, किसके द्वारा भेजा जाएगा, एओटा के द्वारा, ये साइड से जा रही है, इस एओटा के द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाएगा, और जैसे पूरे शरीर में जाएगा तो वहां पे जाकर वापस इसके अंदर क्या मिल जाएगा, अपने को ब्लड में CO2 मिक्स हो जाएगी। अब तो CO2 मिक्स हो रही है, वो CO2 कहां है बताओ, डायरेक्ट इन दो नलिकाओं के द्वारा राइट एट्रियम के अंदर, इन दो ट्यूब्यूल्स के द्वारा राइट एट्रियम के अंदर आता है। अच्छा सर, इन ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है, इन ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है, तो देखना सुपीरियर, इसको कहते हैं सुपीरियर और इसको कहते हैं इंफीरियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर, ऊपर का पोर्शन, यानी ऊपर जब भी माइंड से या फिर समझ लो फेस से, नेक से, इन सारी जगह से जो ब्लड आता है वो ब्लड इसके थ्रू सुपीरियर वेना के पास का नाम है ना, लिख लेता हूँ सुपीरियर, सुपीरियर वेना के पास, वेना के पास, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वो सारा सारा ब्लड किसमें आगे भेजा होता है, राइट एट्रियम।
और नीचे से भाई ऐसा रहे सिर्फ दिमाग में जो रक्त जा रहा है वही लेके आएंगे, नीचे से भी लाना पड़ेगा। अब नीचे से जो रक्त लाना है वो कौन सी ट्यूब लाने का काम करेगी बताओ? इन्फीरियर वेना का। इसका क्या नाम रहेगा? इन्फीरियर वेना। क्या हुआ? इन्फीरियर वेना क्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सुपीरियर वेना क्या हुआ? इन्फीरियर वेना क्या हुआ? सुपीरियर वेना क्या हुआ? ब्रेन, फेस, नेक, शोल्डर, इन सारी जगहों से ब्लड ला के राइट एट्रियम में खोलती है। दूसरी चीज इंफीरियर वेना क्या हुआ? शरीर का जो लोअर पोर्शन है वहां से ला के लाएगी ब्लड को और किसमें खोलेगी बताओ? राइट एट्रियम में खोलेगी। अब राइट एट्रियम का जो ब्लड है, देखो पूरी मैकेनिज्म भी समझाता जा रहा हूँ, किसके साथ? स्ट्रक्चर के साथ मैं पूरी मैकेनिज्म भी मैं चाहता हूँ मैकेनिज्म बताई है ना। तो देखा क्या है, राइट एट्रियम में जो ब्लड इकट्ठा हो गया है उसको यहाँ पे वॉल्व होता है, इस वॉल्व के द्वारा यहाँ पे खोल दिया जाता है। ये कौन सी चीज़ है बताओ? राइट वेंट्रिकुलर। राइट एट्रियम से ब्लड को कहाँ डाला जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर के अंदर। और राइट वेंट्रिकुलर को यहाँ पे भाई ब्लड ऊपर से नीचे पे है, इसको वन डायरेक्शन के अंदर ब्लड का फ्लो वन डायरेक्शन में करवाने के लिए जिस तरह इस तरह बाइक स्पिर बोलते हैं इस तरफ होंगे ट्राई स्पिर बोल। कौन से स्पिर बोल होंगे बताओ? मैं इसको वापस यहाँ से लिखा रहा हूँ ना, ट्राई कस्पिड उसको क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड बोल। अच्छा ट्राइकस्पिड ब्राइकस्पिड दिखते कैसे है? रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं? कहने का मतलब कह सकते हैं इस लाइफ में होंगे भाई, पर ये पूरी तरीके से गलत है। बनारस में भी ऐसे ही बनाया ना ताकि बच्चों को समझ में आ गए दिखते समय, पर जनरली होते हैं कि इस टाइप में है तो तीन कस्प मिलेंगे अपने को ना, ऐसे तो तीन कस्प, एक दो और तीन, तीन कस्प मिलते हैं यहाँ पे। कस्प का मतलब सिंपल समझ में बाल चाहिए या फिर चित्र, ठीक है? ये जो आगे ये तीनों कस्प जो है वो कहाँ होंगे? इस जगह पे है ना, ये पूरा पूरा एक कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे तीन कस्प होते हैं, तीन छेद होते हैं और इस बोल को कहते हैं ट्राई कस्पिड बोल। क्या नाम दिया जाएगा? ट्राई कस्पिड बोल। यहाँ तक बोलो। अब नेक्स्ट चीज देखना, यहाँ पे जो ब्लड आ गया है ना ऊपर से तो नीचे ब्लड बह गया, इधर कहाँ से आ रहा था? इस जगह से ब्लड आ रहा था अंदर की ओर, यहाँ पे ट्यूबवेल में आया, यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। नेक्स्ट चीज यहाँ से ब्लड आ रहा किस पे आया? राइट वेंट्रिकुलर के अंदर। किसके थ्रू आया? तो राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड के थ्रू आया, इसके थ्रू इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट सर ये वाला ब्लड तो पूरी तरीके से कहाँ पहुंचेगा? अपनी बॉडी के अंदर। कहाँ पहुंचेगा बताओ? बॉडी के अंदर पहुंचेगा। नेक्स्ट चीज अब बॉडी के अंदर ये चीज पहुंच रही है, ठीक है, और वहां पे उसके ब्लड के अंदर CO2 मिक्स हो रही है, CO2 वाला ब्लड राइट वाले पोर्शन में आ रहा है, राइट वाले ब्लड पोर्शन में आ रहा है। अब क्या होगा? राइट वाला जो पोर्शन है यहाँ से ब्लड वापस कहाँ जाएगा बताओ? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कहाँ पहुंचेगा? लंग्स के अंदर। क्यों लंग्स के अंदर पहुंचाना है? कि सर ये जो चीज है ये शरीर के अंदर से आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 मिक्स है, लेकिन शरीर को हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, तो CO2 को पहले से हाथ यहाँ पे लाएगा, यहाँ से जोरदार से पंप करेगा, ये कहाँ पे जाके ठहरेगा? डायरेक्टली लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्या होगा? लंग्स में अपन बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो कौन सी चीज मिक्स हो गई बताओ? CO2 मिक्स हो गई। अब CO2 मिक्स हो गई, CO2 मिक्स वाला पोर्शन है वो यहाँ लंग्स से ट्यूब वेन निकलती है, वो आगे लेफ्ट एट्रियम में खुल जाएगी। किसमें खुल जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में खुल जाएगी। अब थोड़ा सा सोचो भाई, इस तरफ से यहाँ पे आने के लिए हमने वॉल लगाया, तो ये वाला ब्लड जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या वॉल नहीं होगा? होगा, यहाँ पे भी वॉल होगा, उसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। कैसा होता है भाई सर ये? तो ये इस टाइप में होगा, यहाँ से मैं कहा समझ देता हूँ, आप लोग समझ लेना, इस टाइप में यहाँ पे ये इस टाइप में वॉल होगा, और यहाँ पे भी होगा भाई, इस टाइप में वॉल होगा, इस टाइप में होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल, है ना। मैं इसको कहाँ लिखूँ भाई? मैं इधर लिख लो, आपको समझ लेना है ना, सेमी ल्यूनर वॉल, यहाँ तक सेमी ल्यूनर वॉल है ना। अच्छा देखो सेमी ल्यूनर वॉल इसका और इसका दोनों का कॉमन नेम है। सेमी ल्यूनर इसलिए कहा जाता है कि ये ल्यूनर यानी चांद के जैसा दिखता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये लगभग गोल की तरफ दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर, है ना। सेमी ल्यूनर यानी आधा चांद उसके जैसा। अब इनका अलग अलग नाम भी है,
जैसे इसका नाम ये ट्यूब कौन सी, तेरा नाम आप खुद भी बना सकते हो, ये ट्यूब कौन सी है, एवोटा वाली, तो इसको ऐसा कहते हैं एवोटिक वाल, इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी चीज है, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये कौन सा वॉल हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी वॉल, ऐसे कोई नाम देते हैं उसको। वेन ये जो वेन आ गई बाहर से, इनका जो नाम, यहाँ की चार होती है, चार कैसे, दो लेफ्ट से, दो कहाँ से आएगी, राइट से, अब लेफ्ट राइट से आ गई, इसका ये कितने होते हैं, चार में जनरली दो ही होते हैं, आपको यह समझ लेना ना, इसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी ये है वेन, वेन जो देखी जाएगी, इसको क्या कहेंगे, मतलब ऊपर की ओर जाएगी पूरी तरीके से, ये पूरा इसका रास्ता है ना, ये पूरा रास्ता है इसका, इसका क्या नाम देंगे, पल्मोनरी, चलो लिख लेते हैं ना, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी ना, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये सीमेंट को यहाँ से बदल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होगा। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो ब्लड जो जा रहा है लंग्स के अंदर, ये वापस अपने को बोलता है इस तरफ आ जाएगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, ये स्ट्रक्चर के बारे में होगा, स्ट्रक्चर के बारे में जनरली कोई पूछेगा, जैसे अभी आपको एनसीईआरटी की लाइन नहीं समझा होगा एक चीज, तो जनरली ध्यान रखना कितना चैप्टर होते हैं, फोर चैप्टर, टेंथ वाले बच्चे से जैसे तक ट्वेल्थ वाले, फोर चैप्टर, ऊपर ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, वेंट्रिकल एट्रियम, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है, ऊपर से कौन आती है पल्मोनरी वेन, क्या इसमें कौन सा ब्लड होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड, इसके अंदर क्या मिला होगा, प्योर ब्लड, चलो एक काम करते हैं मैं इसको रेड से डिनोट कर देता हूं ना, पूरा रेड रेड कर देते हैं, इसमें पूरा प्योर होगा, इसमें पूरा प्योर होगा, और ये प्योर ही ऊपर जा रहा है, और इस पूरे के थ्रू इस शरीर में तथा ऊपर के किसी पोर्शन में जा रहा है, बोलो यहाँ तक, यहाँ तक आपको मानो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मैं इन नाम को जल्दी हटा रहा हूँ ना, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं सेप्टम, क्या कहेंगे बताओ, सेप्टम, सेप्टम कैसा, इसी का नाम सेप्टम है, इन दोनों के बीच में भी होता है भाई, इसको जनरली ऐसे इस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, अपन हार्ट का कैसा डायग्राम बनाते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, वो है ऐसा, ये एकदम रद्दी डायग्राम पर सारा समझा रहे, सबसे इंपोर्टेंट डायग्राम बनता हूँ, मैंने इसे बहुत सारे कंसेप्ट समझे हुए हैं, देखो कैसे, इधर है राइट वेंट्रिकल, इधर है लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर है राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, इधर है राइट एट्रियम, है ना, राइट एट्रियम है ना, एट्रियम और आर्टरी, टी आर्टरी है ना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेप्टम वगैरह हो गया, अब देखो इन दोनों के बीच में जो सेप्टम है उसको क्या कहेंगे बताओ, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो सेप्टम है कौन सा वाला सेप्टम, ये वाला, इसको कहते हैं देखो इंटर यानी दो के बीच में, जैसे इंटरनेशनल इस देश और उस देश के बीच में, सेम सेम इन दोनों के बीच में, इसका नाम होगा इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर, अब देखो एट्रियम के बीच में तो होगा, तो इंटर इंटर एट्रियल सेप्टम, इसका क्या नाम हो जाएगा, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम, और इन दोनों के बीच में भी तो सेप्टम है भाई, जो कि जिसके बीचों बीच क्या पाया जा रहा है, स्पिट वॉल पाया जा रहा है, वो भी तो सेप्टम ही है, उसका नाम क्या हो जाएगा, देखो उसका नाम क्या देंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जैसे मैं लिख लेता हूँ ना, मेरे को नहीं पता मतलब साइड में दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं लिख लेता हूँ, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या नाम होगा उसको बताओ, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एक सेप्टम ये होगा, इसको क्या कहेंगे बताओ, इंटर है ना, यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से समझ में आ जाएगा कि दोनों वाला सेप्टम, सेप्टम वाला ये समझ में पड़ा था, बीच में लेयर है वो वाले, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो होता है उसको क्या कहेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, है ना, एट्रियल सेप्टम। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूँ, कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा कि उसके हार्ट में छेद है, कहते हैं जब वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने को सिखा रहे हैं, यहाँ पे हार्ट में छेद, तो हार्ट में छेद सबके होता है, पर कब होता है, जब अपन छोटे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो यहाँ का ब्लड मिक्स होता है भाई, यहाँ पे छेद होता है,
समझ रहे हो, वो चीज यहाँ अपलोड मिक्स होता है क्योंकि माँ की प्लेसेंटा से यहाँ अपलोड कुछ करके प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ मिक्सअप पे जाता है, लेकिन जैसे जन्म लेते हैं तब ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे बनाया नहीं। लेकिन कुछ एक पर्सन के अंदर ये चीज पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, और इधर का ब्लड जो कि प्योर है और इधर का ब्लड जिसमें CO2 मिक्स है, ये प्योर और इम्प्योर दोनों मामले पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इससे ब्रेन हर एक चीज पे सेल्स को बहुत प्रॉब्लम आती है भाई। ऐसे जैसे ब्लड मिक्स होने लग जाता है फिर उसके डेथ के चांस भी रहते हैं भाई, क्योंकि सोचो आपको भी सोचो CO2 और O2 मिक्स हो रही है भाई, तो किधर कौन सा ब्लड पहुँच रहा है बता रहे चल रहे भाई, तो हार्ट के छेद वाला बच्चे समझ में आ रहा होता समय ये, पर छोटे बच्चे जब अपन माँ के पेट के अंदर थे तब जैसे जन्म होता है तो धीरे धीरे बंद हो जाता है तरीके से, लेकिन कुछ के अंदर बंद नहीं हो पाता, वो कंडीशन कहलाती है हार्ट के अंदर छेद वाली। बोलो ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, चलो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें किसी भी जगह डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जब आपको सेप्टम हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ध्यान रखना पूरा सेप्टम है। अच्छा ये चीज जो ऊपर जा रही है वो ऐसे नहीं सिर्फ ऊपर जा रही है, वो नीचे भी आ रही है, ये चीज जो ऊपर जा रही है वो सिर्फ लेफ्ट में नहीं जा रही, राइट में भी जा रही है, क्योंकि लंग्स कितने दो है, तो ये पूरी दो जगह चीजें जा रही है। इस प्रकार आपको पूरी तरीके से डायग्राम हो गया भाई, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ हमने हार्ट कहाँ होता है, वेट क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया है। अब इसका जो मैकेनिज्म है जैसे कि SN नोड वगैरह होती है वो चीज़ें पूरे फंक्शन में पढ़ाता हूँ इसका, तब उसके साथ में पढ़ा दूंगा भाई हार्ट काम कैसे कर रहा है। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा भाई एट्रियम वेंट्रिकल ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं पोर्शन लूंगा, ठीक है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल, ओके।